सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं लेकर के आ गया हूँ इंग्लिश के मॉक टेस्ट का सीरीज। तो आज से जो है आपको इंग्लिश मॉक टेस्ट का डेली वीडियो मिलेगा, जिसमें आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है देखेंगे कि आपके एग्जाम की तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी करनी है। यहाँ पे आपको डेली जो है 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। फिर उससे आपको जो है दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, और फिर साथ में जो है ये भी पता चल जाएगा कि आपको अभी कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, सो चलिए आज का हम लोग इंग्लिश का ये पहला मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। और हर एक क्वेश्चन पर आपको 5 से 7 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, आप भी इन क्वेश्चन का उत्तर बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टैंड अप क्लासेस को भी, ताकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपको डेली दे सकूं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस सेक्शन हैव 20 क्वेश्चंस, यू नीड टू कंप्लीट दिस सेक्शन विद इन 20 मिनट्स। 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट करने हैं। सो अभी मैं बात करूं इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी में जो है समय कम दिया जाता है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कम से कम समय में जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। बल्कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में टाइम जो है 20 क्वेश्चंस के 20 मिनट्स ही होते हैं। ठीक है, सो चलिए पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेटिफाई। आपको ग्रेटिफाई का जो है सिनोनिम्स यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहले ग्रेटिफाई का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रेटिफाई का मीनिंग होता है घूस देना। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है? घूस देना। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा इसका सिनोनिम्स? ऑप्शन ए है फ्रेंक, ऑप्शन बी एप्रिसिएट, ऑप्शन सी पैसिफी, और ऑप्शन डी है इंडल्ग। बताइए कौन सा होगा, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जवाब बता सकते हैं कितना सही आपने किया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले का जो ग्रेटिफाई है इसका सिनोनिम्स होगा आपका पैसिफे। तो पैसिफे का मतलब क्या होता है? पैसिफे का मतलब होता है संतुष्ट करना। ठीक है, तो घूस देना या फिर किसी को संतुष्ट करना एक ही बात हुआ। तो ग्रेटिफाई का सिनोनिम्स होगा पैसिफे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड टर्गिड। आपको जो है टर्गिड का एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टर्गिड का मतलब क्या होता है। तो टर्गिड का मतलब होता है सूजा हुआ, फूला हुआ या फिर गंदा। ठीक है, और इसका आपको बताना है इसका जो है एंटोनिम्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो पहला इसमें दिया हुआ है ऑप्शन है क्लीन, ऑप्शन बी है स्मूथ, ऑप्शन सी है ब्राइट, और ऑप्शन डी है डिटेल्ड। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। जवाब देने के लिए आपके पास 5 से 7 सेकंड का समय है, जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो टर्गिड का स्मूथ होगा नहीं। ठीक है, और साथ में ब्राइट भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको टर्गिड का मीनिंग बताया सूजा हुआ होगा या भद्दा होगा या फिर फूला हुआ होगा। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका क्लीन, यानी साफ सुथरा। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट भी नहीं होगा और डिटेल्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। टर्गिड का एंटोनिम्स क्या होगा? क्लीन होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको वॉच का जो है प्लूरल बताना है। तो वॉच का प्लूरल क्या होगा बताइए आप लोग जरा। तो आपका ऑप्शन ए है वॉच्स, डब्ल्यू ए टी सी एच, ऑप्शन बी है डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, उसके बाद है डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डब्ल्यू ए टी सी एच ई डी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो वॉच का जो प्लूरल होगा वो होगा डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सॉरी सी। ठीक है, याद देख लीजिए इसे, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस हमारा जो है बिल्कुल सही है, वॉच का प्लूरल यही होगा। ठीक है, वॉचेज। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको जो है एक शब्द दिया है बिगनिंग, तो आपको बिगनिंग का जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जो सही उच्चारण जिसका किया गया हो स्पेलिंग के साथ में। तो बिगनिंग का आपको पता ही होगा स्पेलिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है बी ई जी आई एन आई एन जी, ऑप्शन बी है बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, ऑप्शन सी है बी ई डबल जी आई एन आई एन जी, और ऑप्शन डी है बी आई जी आई डबल एन आई एन जी। तो क्या होगा चलिए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइए फटाफट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा, बिगनिंग का स्पेलिंग यही होता है
BEGIWNING, ठीक है। और ऐसे जो मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो आपके जो है अंदर सुधार होगा इंग्लिश को लेकर के, आप काफ़ी कुछ सीखने का जो है प्रयास कीजिए यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का क्लास। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द गिवन वर्ड सेंटेंस। यहाँ पे दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें आपको इसके लिए कोई एक वर्ड चूज करना है जो बेस्ट सूट कर सकता है इस सेंटेंस के लिए। सेंटेंस क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित जीवन जिसे हम लोग कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, तो हम लोग उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है डिलिटिनेट, ऑप्शन बी है बिगैमी, ऑप्शन सी है सेलिबेट और ऑप्शन डी है सेलिबेकी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बताइए फटाफट उत्तर क्या होगा, आपको अगर पता हो तो आप ही बता दीजिए, नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दी स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड होता है सेलिबेकी, क्या होता है सेलिबेकी, अविवाहित जीवन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे एक आइडम्स फ्रेज दिया है, इसका आपको जो है करेक्ट मीनिंग पता करना है, ठीक है। तो क्या है, टू व्रेंकल ओवर एन एस सैडो, ठीक है, टू व्रेंकल ओवर एन एस सैडो, किसी गद्दे के सैडो पे व्रेंकल करना, ठीक है, इधर उधर मचलना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए है टू डू समथिंग फनी, ऑप्शन बी है टू क्वरल ओवर द पोसेशंस ऑफ एन एस, ऑप्शन सी है टू वेस्ट टाइम आर प्रीटी थिंग्स, ऑप्शन डी है टू क्वरल ओवर ट्रेफलीज। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा, आप देख सकते हैं एडम्स फ्रेज क्या है, टू व्रेंकल ओवर एन एस सैडो। चलिए बताइए फटाफट, आपसे आपके पास जो है 5 से 7 सेकेंड है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो रियल मीनिंग होगा टू व्रेंकल ओवर एन एस का, एस सैडो का, वो होगा टू क्वेरल ओवर ट्रेफलेस। क्या होगा, टू क्वेरल ओवर ट्रेफलेस, तो इसका मतलब क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे जो है झगड़ा करना, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, उन बातों पे लेकर के झगड़ा करना जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ में झगड़ा करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है चूज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ सेंसेस का आपको जो है एडजेक्टिव बताना है, कि सेंसेस का एडजेक्टिव कन्वर्ट करना है और बताना है कि सेंसेस का एडजेक्टिव क्या हो सकता है। तो बताइए, तो आपका ऑप्शन है दी सेंसेस, ऑप्शन बी है सेंसेस, ऑप्शन सी है सेंसर और ऑप्शन डी है सेंसिबल। तो ये तो काफ़ी आसान है, आपको सेंसेस का जो है एडजेक्टिव फॉर्म करने में आसानी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सेंसेस का एडजेक्टिव होगा वो होगा आपका सेंसिबल, ठीक है, क्या होगा सेंसिबल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल कंजेक्शन, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, बोथ राम डैश श्याम आर हैंडसम, ऑप्शन ए है आल्सो, ऑप्शन बी है एंड, ऑप्शन सी है एज वेल एस और ऑप्शन डी है बट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको जब पढ़ाया था कंजक्शन उस समय बताया था जहाँ पे बोथ है, यानी सिर्फ दो ही लोगों के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पे, और जब दो लोगों के बीच की बात हो तो ऐसे बोथ के साथ में हमेशा हम लोग जो है एंड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ राम एंड श्याम आर हैंडसम, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही होगा, एंड यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने मॉक टेस्ट का। तो हमारे मॉक टेस्ट का अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब वेन आई डैश माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपका ये सेंटेंस किस चीज़ में है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। अगर आप इसका मीनिंग निकालने का प्रयास करेंगे, अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी इस सेंटेंस का आप मीनिंग निकालिए, वेन आई माई बाथ आई वेंट टू अ स्लीप, जब मैंने अपना बाथ ले लिया था तब मैं सोने चला गया। तो अब इसलिए आपको पता होगा यहाँ पे हेड का प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो होगा वो हेड होगा, क्योंकि ये जो पहला सेंटेंस है इसमें दो सेंटेंस हैं, व्हेन आई डैश माय बाथ है, फिर एक सेंटेंस और है आई वेंट टू हैव अ स्लीप। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट पहला सेंटेंस है, इसमें का जो पहला पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई हैड टेकन माय बाथ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हेन आई हैड टेकन माय बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप, ठीक है। पूरा मीनिंग निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, जब मैंने स्नान कर लिया था या बाथ ले लिया था तब मैं सोने चला गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये आप बताएंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे अब आपको जो है एक करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है।
देख लीजिए आप लोग सेंटेंस क्या है, व्हेन आई हर्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर्स डेथ, जब मैंने अपने दादाजी की मृत्यु के बारे में सुना, आई ब्रश्ड टीयर्स। आपको बताना है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है अपान, ऑप्शन सी है इनटू और ऑप्शन डी है इन। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो आपने ऑब्वियसली सुना होगा कि जब भी कोई ऐसी सेंटेंसेज आते हैं जहाँ पे टीयर्स का या फिर रोने धोने का जो है कुछ ऐसा फीलिंग आए सेंटेंस में, तो हमेशा जैसे आई ब्रस्ट इन टू टीयर्स हो जाएगा, ठीक है, मैं आंसुओं में फूट पड़ा, तो क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, ठीक है, आई ब्रस्ट इन टू टीयर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे आपको जो है इस सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। सिक बॉय डाइड यस्टरडे, तो सबसे पहले तो एक चीज मैंने आपको बताया था, हमेशा आर्टिकल दी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आर्टिकल दी का प्रयोग ऑलमोस्ट उस सेंटेंस के साथ भी किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह को जानते हैं और उसके बारे में दोबारा हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा उसके साथ में आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिक बॉय डाइड यस्टरडे, आखिर कोई तो उसे जानता था, जो नरेटर है जो इस सेंटेंस के बारे में बता रहा है उसे मालूम था उस सिक बॉय के बारे में, तो वो क्या कह रहा है, सिक बॉय डाइड यस्टरडे, मतलब कि वो जो बीमार लड़का था वो कल मर गया, तो क्या हो जाएगा, दी सिक बॉय डाइड यस्टरडे, हमारा बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पे दी का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड, यहाँ पर आपको जो है एक सूटेबल वर्ड चूज करके यहाँ पे भरना है, और ये सेंटेंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रयास कीजिए, सेंटेंस देख लीजिए क्या है, माधव इज अ सिक मैन एंड इज डेस्ट टू बी टेकन टू द डॉक्टर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है, कौन सा वर्ड भरना है, यूजली है, ऑप्शन बी टाइमली, ऑप्शन सी सेल्डम और ऑप्शन डी है फ्रिक्वेंटली। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग सेंटेंस देख लीजिए और बताइए यहाँ पे क्या भरा जा सकता है, कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन सा वर्ड सूटेबल है इसके लिए। मैं आपको 5 से 7 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए आपने देख लिया तो आपको उत्तर भी पता चल गया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आप लोग सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस देखिए, जो चीज़ अगर आप किसी भी चीज़ को मैं 10 बार कहता हूँ कि उस चीज़ को ध्यान से पहले पढ़िए, सेंटेंस में ही जो है उस चीज़ का मीनिंग छुपा होता है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माधव इज ए सिक मैन, यानी माधव एक बीमार व्यक्ति है, मतलब वो हमेशा बीमार रहता है, काफ़ी लंबे समय से रह रहा हो या पिछले कुछ समय से रह रहा हो, लेकिन क्या है, वो एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, एंड इज टू बी टेकन टू द डॉक्टर। और जब वो बीमार है तो हमेशा डॉक्टर के वहाँ ले जाया जाता होगा उसे, तो उसे वहाँ पे क्या होगा, यूजली, मतलब हमेशा की तरह, अगर जो है माधव जब बीमार है, एक बीमार व्यक्ति है, तो हमेशा की तरह उसे जो है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कई लोगों ने जो है चूज किया होगा फ्रीक्वेंटली, यानी उसे तुरंत लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास क्योंकि वो एक बीमार व्यक्ति है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फ्रीक्वेंटली कब यूज किया जाता, सेंटेंस आप लोग पढ़िए, जब सेंटेंस में ये रहता माधव इज सिक, माधव बीमार है एंड इज फ्रीक्वेंटली टू बी टेकन टू द डॉक्टर, तब जाके यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली का यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है, माधव इज ए सिक मैन, माधव एक बीमार व्यक्ति है, मतलब वो पिछले समय से बीमार रह रहा है या फिर जो है बीमारी उसकी लंबे समय से चल रही है, तो अगर वो बीमार है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाता होगा, तो जिस प्रकार उसको हमेशा यूजली ले जाया जाता है वैसे ही यूजली इस बार भी उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, सेंटेंस में ऐसा मीनिंग बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, यूजली इसका यहाँ पे फिलअप होगा इस सेंटेंस में, ठीक है। और जब यहाँ पे केवल होगा माधव इज सिक एंड इज, उसके बाद तब अगर यहाँ पे सिक मैन नहीं होगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज करने की पूरी छूट थी, आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो करेक्ट वर्ड आप लोग सेंटेंस देखिए, मैंने फिर आपसे कहा था कि जब आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस को पढ़ते ही जब उसकी मीनिंग आपको पता चल जाएगी तब आप आसानी से उस सेंटेंस को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है, आई डैश यू टू बी होम बाई 8 o'clock, ठीक है। तो पहला है एक्सेप्ट, तो आई एक्सेप्ट यू टू बी होम बाई 8 o'clock तो होगा नहीं,
ठीक है, फिर दूसरा एस्पेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्ट का क्या उम्मीद करता हूँ, तो एक्सपेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। ऑप्शन सी है एक्सेप्ट मतलब केवल, तो ये भी नहीं होगा, और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ई एक्स सी ई पी टी आई एक्सेप्ट, ठीक है, एस्पेक्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है 8 बजे तक घर आ जाओगे, ठीक है, 8 बजे तक घर पर होगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एस्पेक्ट होगा। एस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ई एक्स पी ई सी टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला है चेंज इन टू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करना है यहाँ पे आपको, आप लोग सेंटेंस देख लीजिए क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कीजिएगा। यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, सेंटेंस है यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, इसका आपको सेंटेंस चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव, तो क्या होगा, ऑप्शन ए है योर शूज आर नीडेड टू बी बाई यू टू क्लीन प्रॉपरली, योर शूज आर नीडेड बाई यू टू क्लीन प्रॉपरली, फिर ऑप्शन बी है योर शूज नीड टू बी क्लीन प्रॉपरली, ऑप्शन सी है योर शूजेज आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपरली, और ऑप्शन डी है यू आर नीडेड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, तो बताइए कौन सा होगा। चलिए मैं आप वेट कर लेता हूँ 5 से 7 सेकेंड का आपका, हो सकता है आप जो है कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता दें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इस सेंटेंस का जो पैसिव वाइज होगा यही होगा, यू आर नीडेड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हिज अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंचुअल, उसके अंकल ने कहा मैं हमेशा पंचुअल होता हूँ, ठीक है, तो इसका आपको जो है क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करना है, तो क्या है, पहला ऑप्शन हिज अंकल सेड डैट ही वॉज ऑलवेज पंचुअल, ऑप्शन बी है हिज अंकल सेड डैट आई वॉज ऑलवेज पंचुअल, फिर ऑप्शन सी है हिज अंकल सेड डैट ही इज ऑलवेज पंचुअल, और ऑप्शन डी है हिज अंकल सेड डैट आई एम ऑलवेज पंचुअल। आप लोग देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, और फिर जो है इसे फॉर्म करने का कोशिश कीजिए, उत्तर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सो पता कर लिया आपने, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, हिज अंकल सेड डैट ही वॉज ऑलवेज पंचुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जो है एरर पता करना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम। चलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे पता कीजिए कि किस पार्ट में एरर है, फिर मैं आपको बताऊँगा कहाँ एरर है और क्या होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस जगह पे एरर है और क्या चीज़ एरर है। सेंटेंस आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम, देखिए आप लोग सेंटेंस को। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो आपका ये पार्ट वन है, ठीक है, पार्ट वन में आपका एरर है कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हैड मुकेश वर्कड नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में चला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें जो है भविष्य की जा रही हैं, तो सेंटेंस उस हिसाब से सेट कीजिए कि आपका उत्तर जो है ऐसा लगे कि भविष्य में जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैड मुकेश वर्क हार्ड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा इफ मुकेश हैज वर्कड हार्ड, अगर मुकेश ने वर्क हार्ड किया होता, ठीक है, हार्ड वर्क किया होता तो क्या होता, ही वुड हैव गॉट ए डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम, उसे क्या होता, एग्जाम में एक डिस्टिंक्शन मिल गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहाँ पे होगा इफ मुकेश हैज वर्क हार्ड होगा, ठीक है, हैड मुकेश वर्क हार्ड नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहीं में गलती है, ठीक है, इसी में यही वाला पार्ट हमारा एरर है। अगला क्वेश्चन भी जो है इसमें एरर आपको छांटना है, 17वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बताइए कि इसमें किस पार्ट में एरर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, और फिर नो एरर है, देख लिया आपने, पता चल गया होगा आप लोगों को कि किस पार्ट में एरर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा पार्ट बी है इसमें एरर है, क्यों, देखिए क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, और सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था आर्टिकल जब पढ़ाया था कि भैया प्लूरल नाउन के साथ में कभी भी ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी ए का जब प्रयोग करते हैं आर्टिकल ए का प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर नाउन सिंगुलर पर्सन पीपुल प्लेस थिंग्स के साथ में किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल प्लेसेस जगहें, अगर प्लेस रहता तो समझ में आता है, हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है,
तो प्लेस रहता तो किसी चीज़ को लेकर के तो समझ में आता कि चलिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है नहीं है बल्कि प्लेसेस को प्लूरल बना दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये पैराग्राफ है ये काफ़ी जो है लेंदी तो है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप लोग इसका मीनिंग ना समझें। तो मैं आपको पैराग्राफ पढ़ दे रहा हूँ, इसका मीनिंग नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप लोग खुद कोशिश कीजिए इसका मीनिंग समझने का। मैं पैराग्राफ जो है बिल्कुल धीमे धीमे जो है पढ़ते हुए चलूँगा और लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। तो पैराग्राफ क्या है, The heart is one of the most vital components of the human body. The heart of the human body has the continuous job to keep oxygen-rich blood flowing through the body. All the body cells need a constant supply of oxygen, particularly in the brain. The brain cells, एक मिनट रुक जाइए। So, तो कहाँ पे थे हम लोग? The brain cells, ठीक है? Live only 4 to 5 minutes after the oxygen is cut off and death comes to the entire body. Heart diseases can result from a damage to the heart muscles. The valves are the pacemaker. If the muscles is damaged, the valves are damaged, blood can't flow normally. Dr. John Gibbon of USA developed a machine in 1953 that could take over temporarily from the heart. Surgeons had the chance to repair or replace a defective heart. Many patients have had plastic valves inserted in their hearts when their hearts were faulty. Many people are now being kept alive with tiny battery operator pacemakers. So, आपने देख ही लिया, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या है, इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ द ब्रेन कैन सेल्स सर्वाइव। अगर जो है ऑक्सीजन सप्लाई काट दिया जाए तो हमारे ब्रेन सेल कितना देर तक सर्वाइव करेगा? तो मैंने आपको बताया ही, आपने पढ़ा होगा उसमें देखा कि 4 से 5 मिनट तक ही जो है सिर्फ क्या होगा, हमारा ब्रेन सेल सर्वाइव करेगा अगर वहां पे जो है ऑक्सीजन सप्लाई काट दिया जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जो हर्ट होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड किसके थ्रू भेजता है, कहाँ पे भेजता है? तो वो आपका जो है लंग्स, ठीक है, टू डी लंग्स ओनली, ठीक है, इंटायर बॉडी नहीं, लंग्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है हर्ट डिजीज आकर फ्रॉम, हर्ट डिजीज कहाँ से आकर होते हैं? तो आपने पढ़ा ही कि जो हर्ट डिजीज आकर होते हैं कहाँ से होते हैं, डैमेज टू दी हर्ट मसल्स, कहाँ से होते हैं, डैमेज टू दी हर्ट मसल्स। सो आज के क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, टोटल 20। कैसा लगा आज का क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर अगर अगला क्लास चाहिए तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। फिर अगला क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।